का नाम है रिएक्शन रिप्ले और दोस्तों आप लोग कैसे ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए वो बहुत इसेंट्रिक सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो है आज के जो माहौल चल रहा है आजकल पूरी दुनिया में जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, और उसको उसमें लोग जो है जिनके पास छत नहीं है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो रोज रोज के कमाने वाले थे और जो लोग रोज की दिहाड़ी लगाते थे, तो उनके लिए ये वीडियो बनाइए। और जो है जितने भी हैं पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी भी यूरोप में हो, अगर लोग जो लोग रोज कमाते हैं वो रोज खाते भी तो है ना, तो आज के इस दौर में 21 दिन से 15 दिन से हमारे यहाँ लॉकडाउन है, इंडिया में 21 दिन बाद खुलेगा लॉकडाउन, और हर किसी किसी मुल्क में पूरा लॉकडाउन है, कहीं नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं खुल रहा, ना कोई काम कर सकता है ना कुछ कर सकता है। और जब काम नहीं मिलेगा तो इंसान खाएगा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, और खाएंगे कहाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हवा खाएंगे, हवा पानी खाएंगे, पानी तो पी सकता है इंसान, लेकिन हवा खाने के लिए पेट जो है वो सब कुछ मांगता है इंसान। हम लोगों को भी 2 मिनट 3 मिनट खाना नहीं मिले, हम तो खाना खाना कर, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जो रोज से कमाने वाले हैं, अगर उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी लोगों की तो वो लोग के बच्चे कहाँ से खाएंगे यार। तो ऐसी ही वीडियो है, कुछ दिल दहला देने वाली वीडियो है थोड़ी सी, और जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है इस वीडियो में, लोगों को खाना खिला रहे हैं और बहुत अच्छा है। इसमें टाइटल जो वीडियो का है शाहरुख अक्षय सलमान अदर केयर एंड फीडिंग डिस्ट्रीब्यूट पीपल इन लॉकडाउन बिग सलूट। इन सब को जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं उनको सलूट है सबका, और सब चीज का सलूट दोनों हाथों से होना चाहिए इन लोगों के जो लोगों का पेट भर रहे। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद ही, और हम लोग भी कहते हैं अगर पाकिस्तानी कौम को नहीं मिला खाना तो पाकिस्तानी कौम भी थोड़ा सा ऐसे लोग हेल्प तो कर रहे हैं, लोग यहाँ के भी लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी कोई सिचुएशन जैसी इंडिया में है वैसी पाकिस्तान में है, तो देखते हैं द वीडियो। आगे ले आ सर, एक चाहिए सर, तो ब्रैक मिल गया था ना, एक मिनट मिल जाए मेरा दोस्त नहीं सब ठीक बोला, मैंने बात किया है ये अंदर करवा रहा हूँ ठीक है। जिस किसी का भी फेवरेट हीरो उसको पसंद है, उस इंसान का हीरो अपनी अपनी जगह पर सही है, सब सही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट एक बात सुनो, जो सलमान भाई से ले लेना वो साइड से चले भाई, जो सलमान खान को बुरा बोलते ना, बिकॉज आई एम जबरा फैन भाई बंटाई, सुन सलमान भाई को जो बुरा बोल देना, एक दिन सुबह उनके घर के पास जाओ भाई, वीडियो किसी दिन दिखा दूंगा ले जाके, वहां पे पता है 100-200 बंदे ना अपनी अपनी पर्चियां, हार्ट अटैक, कैंसर पेशेंट और बहुत सारे डिसीज के लोग आते हैं वहां पे पीपल्स, किसी को 50,000 कैश देते हैं, किसी को 1,00,000 रुपए देते हैं, किसी को 25,000 देते हैं, किसी को 10,000, किसी को 5,000, जैसे जिसका इलाज का पैसा होगा ना उस तरह से बंदा हेल्प करता है। कभी सलीम अंकल आके देते हैं उनके पापा, कभी वो खुद देते हैं, पता है क्या बात करते हो यार तुम लोग, इस बंदे की बुराई करते हो जिसने कितने परिवारों को पाल के रखा है यार, वो पता है फरिश्ता है, फरिश्ता, और फरिश्ते की बुराई नहीं करते पता तुम, पहले बोल दिया सबके हीरो सबकी जगह पर सही है, पर किसी को गलत मत बोलो।
हमारे किंग खान शाहरुख खान को सलाम, दिल से सलाम के 5 करोड़ का डोनेशन सबसे पहले बड़ा डोनेशन उन्होंने किया है। सैल्यूट खान साहब। एक लाइन देख रहे हैं आप लोग कि जहां तक निगाह जा रही है आप लोगों की, ये जो लोग खड़े ना सलमान खान के घर के सामने बैंड स्टैंड पे, लोग अपने रिपोर्ट लेके आते हैं जो इन हार्ट पेशेंट होते हैं और उन लोगों को फ्री में पैसे मिलते हैं, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, जैसी उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सलमान खान रोज सुबह में इतने ज्यादा लोगों को कैश देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिल की बात सुनना बहुत जरूरी है और हम ये कह दें अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई मेरी जान कैसे हो? अल्लाह तुम्हें खुशो खुर्रम रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अरे यार तुम्हारा दिल अच्छा है और अब हिंदुस्तान की ऐसी चाय है ना जो हर इंसान पीना चाहता है और लुत्फ उठा रहा है। और सर यही लोग आपको सुपरस्टार बना के रखे अल्लाह के करम से, और ये लोग वो है जो आपकी फिल्म जुम्मा की नमाज पढ़ते ही जाके भाग के देखते हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? और कमली स्कूल। हाँ कमली स्कूल, कमलेश कोहली हुकुम कोहली। ये आमिर खान, करीना जी को पहचाना आपने? नहीं पहचान। कल देखिए हम आपके घर में आए हैं। अरे सर आप बिन बुलाए मेहमान बन गए। हाँ भाई पीछे 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 मेरे पास बहुत पैसे हैं तो एंड आई टेल यू समथिंग। मैंने परसों तरसों की बात कर मैंने एक फोटो देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेके निकल रही थी। एंड एक्चुअली आई कंसिडर दैट हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। व्हेन आई सॉ दैट फोटोग्राफ आई थॉट ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है जैसे वो फोटोग्राफ। आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है और सो सैड ऑन ट्विटर में नहीं डालना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा ये मत डालो, कुछ करो, चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो या 25,00,000 क्यों ना हो या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको। गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट,
and saying it is very sad, it is so, God bless everything, I hope everything was okay. Don't do that. React to it. Just do something about it. That's the right thing. Comments no more. React. Hello guys. सेल्फ आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है ऐसे ऐसे टाइम पे, तो मैं कर रहा हूँ. और मेरे घर 3 लोग आए थे, हालांकि मैंने सुबह पोस्ट डाला था, वो देख के आए थे. और कौन सी पोस्ट देख के आए घर, जब मैंने लिखा था कि मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ स्टार्ट, तो घर मत आना प्लीज, तो ये देख के फैंस घर आ गए. तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सब चीजें क्यों होती हैं, क्यों नहीं समझ पाते लोग ये छोटी 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 इतनी इतनी सी ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है. मैंने लिखा है पोस्ट में सेल्फ आइसोलेशन कर रहा हूँ ताकि सब लोग अवेयर रहें, और हम कुछ हो तो बाहर फैले ना, अगर बाहर है तो हमें ना फैले और सोसाइटी में ना फैले जो भी कोरोना वायरस का झमेला चल रहा है. कि छोटी सी चीज़ें हैं, क्यों होते हैं हिंदुस्तान में ऐसे, क्यों नहीं समझ पाते लोग, क्या रीजन होगा. हम लोग सोचते हैं बाहर आके कह रहे हैं अरे भाई कुछ नहीं होता भाई, एक बार हाथ मिला लो. अरे यार आप कैसे कर सकते हैं, समझिए. आप पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे दिख रहे थे, वो पढ़े लिखे हैं आप, अच्छे अच्छे स्कूलों में गए हैं, है ना, समझिए इन सब चीजों को प्लीज. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए. और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं. सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें. तो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं, और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है, ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पर रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी. इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे. सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें. और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होके क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं. सो उनको अच्छा लगेगा बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं. सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है. सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो, और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटें. और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू. बहुत जबरदस्त वीडियो, और बहुत सब लोगों ने मैसेज दिया है इसके अंदर कि आप लोग घरों से बाहर ना निकले. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं घरों से बाहर और अल्लाह करने के लिए, और फैंस फॉलोइंग जैसे भाई ने कहा क्या भाई हाथ मिला लो, नहीं हाथ नहीं मिला सकते, तो मना करे हाथ मिलाने, नहीं हाथ मिलाना तो नहीं हाथ मिलाना ना यार. जब एक चीज मना की है कि हाथ नहीं मिलाना है आपको, गले नहीं लगना है किसी के, 1 मीटर की दूरी के फासले पे खड़े होना है आप लोगों को, तो इसको फॉलो करने में क्या जा रहा है यार, कोई फॉलो नहीं करता है इसको, पता क्यों फॉलो करना नहीं करते. और खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो तो फॉलो जल्दी नहीं करते, बोलते क्या है क्या वायरस क्या वायरस क्या वायरस. ये वायरस जब लगता है ना, जब होश और ठिकाने सबके काम आ जाते हैं बिल्कुल. और वायरस जो है वो बहुत बड़ी चीज, ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं, बहुत सारे वायरस आते हैं, वो उनका हल है, लेकिन इस वायरस का हल नहीं निकला है. जब भी आप लोगों को एहतियात के लिए बोल रहे हैं, अगर ये छोटा मोटा वायरस होता तो उसको हैंडल कर सकते थे, और ये फैलता नहीं. तो ये फैलने का खर्चा जो है इंसान से कनेक्ट होना, इसलिए फैल रहा है. और जो है हम लोगों को
फैलाना नहीं क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, आइसोलेशन करना है घर में रहकर, और बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना है हम लोगों को। घर में रहकर मूवी देख लो या कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख लो, हमारा रिएक्शन देख लो, और बहुत सारी वीडियो हैं जो इंटरनेट लगा के चेक करें, गेम खेल सकते हैं आप लोग, बहुत सारे घर में। जब इंसान जो एक इंसान की फितरत है, जब इंसान घर में होता है ना तो उसको बाहर जाने की लगती है, जब वो बाहर होता है ना इंसान काम पे होता है, ड्यूटी कर रहा होता है, यार कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, कब जाऊंगा घर, तो जब उसे घर की याद आती है। तो ऐसी बीमारी हम दोनों देशों में है, दोनों मुल्क में है, तो इसको हमें कम करना होगा और हम लोग घर में रहना होगा। अगर आप लोग सही तरह घरों में रह लें, हम दोनों देशों की बात कर रहे हैं, देश की, हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया की, हम अगर सही तरह इसको फॉलो कर लें, इन सब रूल को जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, तो हम लोग जल्द से जल्द इस नतीजे इसको हरा देंगे वायरस को। अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे और हम लोग इसी तरह बाहर निकलते रहेंगे बिला वजह, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम लोग कभी नहीं जिंदगी में इसको हरा सकते वायरस को। तो हम लोगों को इस वायरस को हराना है तो हमें घरों में रहना होगा, और घरों में रहना होगा, घर में रहना होगा, नहीं बाहर जाना, नहीं किसी रिश्तेदार से मिलने भी नहीं जाना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि घर से निकलना बिल्कुल मना है। तो हम लोग तो घर से बिल्कुल भी नहीं निकल लेगा डर लगता। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।